अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ैन आदिल भट्ट। तो आज हमारा कोर्ट में फर्स्ट डे है और अभी हम सो के उठे हैं और इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूं कि कोर्ट का वेदर कुछ इतना अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है, लेकिन लेट्स सी, हम निकलते हैं घूमने के लिए जाते हैं। वेलकम जवाहर भाई, मेरे ब्लॉग में आपको वेलकम है। मेरे दोस्तों को कोई मैसेज दें ज़रा। नहीं, आज बस बारिश है, लेकिन 3-4 बजे तक है, उसके बाद इंशाल्लाह वेदर ठीक होगा। अभी हम बस नाश्ता करने लगे हैं। हाँ जी, चलें भाई चलें। ना, मैं नहीं चलानी भाई, अभी वेदर अच्छा नहीं है। वेदर अच्छा होगा तो मैं ड्राइव करूँगा। नहीं नहीं जबार, प्लीज़ आप ड्राइव करो। तो दोस्तों अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, और पहले तो कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद सिटी सेंटर को डाउन टाउन घूमे वगैरह आएंगे। उसके बाद आपको साथ साथ आपको पता मैं दिखाता रहना, आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब और एक वो बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है। चलें दोस्तों, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। चलो जी, चले जब बार बार सब। हाँ जी भाई, निकले। किधर जाना है? पहले कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं। अब इंग्लिश कंट्री आए हैं तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो बनता है ना। इंग्लिश देसी सब मिलेगा, बताओ पराठे खाने? नहीं नहीं नहीं, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करवाए। हाँ जी, अब हम पहुंच गए हैं, ये हमारी कॉफ़ी शॉप है, तो जहाँ से अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट करना है, चलते हैं। आ जाए जी, ये कॉफ़ी शॉप में आ गए हैं। ऑर्डर हमने कर दिया है, अब वेट कर रहे हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट आए। जबार जो है सैनिटाइज कर रहा है। ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है, मैं आपको दिखाता चल रही है। हमारा केजुअल रैप है, ठीक है। इसके साथ हमारे मफिन्स आए हैं जो कि ब्लूबेरी में है, और चॉकलेट आई है, क्रीम आई है, और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट आ चुका है, और अब हम इस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, अब सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। कोर्ट का वेदर ठीक हो गया होगा, लेकिन सिटी सेंटर में आ चुके हैं, स्टिल बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है यहाँ पे ना रश कम हो जाता है, और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं इतना रश नहीं है। जबार भी मेरे साथ ही है, और हम सिटी का जो ये एरिया है, इसे डाउनटाउन भी आप कह सकते हैं, डाउनटाउन वाला एरिया घूम रहे हैं। देखते हैं इंडोर ही कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं, क्योंकि रोड्स पर तो हम चलने से रहे क्योंकि बारिश हो रही है। ये कोर्ट सिटी का जो है ना ग्रैंड परेड रोड है, मैं आपको दिखाऊँ। और ग्रैंड परेड रोड के ऊपर मेरे राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, और मोस्टली इस जगह पे जो है ना लोकल लोग ज़्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। एक जबार वो जो दूसरा आपने बताया था वो सेंट कौन सा रोड है जो यहाँ पे बहुत फेमस है? सेंट पैट्रिक स्ट्रीट है, वो भी यहाँ पे बहुत फेमस है। ये बैक साइड पर आपको ये स्ट्रीट दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये कौन सी स्ट्रीट है? ओलिवर प्लंकेट स्ट्रीट। ये आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, इस टाइम ट्रैफिक रुकी हुई है, और अभी कुछ ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम इजीली घूम सकें। और ये जबार का फेवरेट ब्रांड आ गया टिम्बरलैंड, और ये टिम्बरलैंड देख सकते हैं, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। टिम्बरलैंड बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे शॉपिंग होती है, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ के। बैक साइड पर देखें बूट्स कितने ज़बरदस्त हैं, जैकेट्स भी हैं। की सबसे फेमस मार्केट है जिसका नाम है इंग्लिश मार्केट, और ये प्रॉपरली एक वाकई में इंग्लिश लोगों की मार्केट है। आपको पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने ये जो इंग्लिश मतलब ये गोरे लोग हैं वो ब्रिटिश से ही निकले हुए हैं, मतलब यूके से वो सारे लोग मूव ऑन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, अमेरिका में गए हैं। तो उन लोगों की जो एक वो जो ट्रेडिशनल किस्म की मार्केट है ना, आपको आए वो विज़िट करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये इनकी इंग्लिश मार्केट है,
तो आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं, आप लोग देखें यहाँ पे ये फ्रूट्स की शॉप्स हैं, ठीक है, ये मीट शॉप है और मीट के साथ आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, हनी भी है और फ्लावर शॉप, और उसके बाद मतलब ये आप दिखाओ ऑर्गेनिक चीज़ें, और ये प्रॉपर इंग्लिश लोग जो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं ये वो है। ये मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये प्रॉपर इंग्लिश लोगों की फूड की प्लेस है, मतलब जो लोग ये देखें, ये उनके मेरे ख्याल से अचार है। व्हाट इज दिस, डिड यू नो, चिलीज होंगे, चिलीज हैं, लेकिन मतलब स्मेल अच्छी है यहाँ की, और ये इनकी चीज़ है, लेट मी शो यू, ये देखिए जी, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये पता कौन सी चीज़ है, वो जो टॉम एंड जेरी में नहीं चीज़ दिखाते, ये वो वाली चीज़ है। तो आगे आ जाएं, यहाँ पे पोर्क, बीफ, लैम, हर चीज़ मिलती है, फिश मिलती है, ये फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश जो है ना वो केक्स बन रहे हैं, बेक कर रहे हैं केक्स, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे ऑर्गेनिक इनके वो जो स्पाइसेस हैं, और ये आप कह सकते हैं कि ये उनका प्योरली इंग्लिश जो उनका तर्ज ज़िंदगी है उसको ये जो है ना वो रूनमाई करती है, और यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोकल लोग हैं वो ही शॉपिंग के लिए आते हैं, और क्योंकि उनके खाने की ही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और हम जैसे टूरिस्ट लोग तो ये चीज़ें नहीं लाइक कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ये क्या क्या चीज़ें हैं, और बड़े अजीब से किस्म के मसाला जात और बड़ी अजीब चीज़ें हैं। अब ये आप मेरे साइड पे देखें, ये सारा पोर्क, बीफ, उसके बाद लैम, चिकन, सब कुछ है, लेकिन ये हलाल नहीं है, यहाँ पर हराम है, तो हराम चीज़ें तो ना हम खा सकते हैं और ना हम सोच सकते हैं, और आप ट्रस्ट करें कि बड़ी स्मेल आती है, बड़ी बुरी सी स्मेल आती है जब ये मीट शॉप के पास से हम गुजरते हैं ना। ये मेरी बैक साइड पे ब्रॉन थॉमस के नाम से एक बहुत बड़ी जो है ना शॉपिंग मॉल बना हुआ है, और धूप निकल आई है, जैसे कि अभी आपने देखा था बारिश हो रही है, और मैंने ये चीज़ नोट की है कि यूके की तरह आयरलैंड में भी मौसम का आप कोई भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूके की तरह ना आयरलैंड के अंदर भी ये डबल डेकर बसेस चलती हैं, लेकिन वो यूके वाली जो बसेज हैं वो ज़रा रेड कलर में, और इससे काफ़ी वो साइज़ में ना बड़ी हैं, तो लेकिन यहाँ पर भी बसेज हैं और काफ़ी खूबसूरत है, और वेदर अच्छा होने की वजह से अब हम जा रहे हैं, और ये देखें बैक साइड पे ये लोग जो है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे देख रहे हैं, तो अब इन्हें पता तो है ये कि हर बंदा ये वीडियो बनाता है, कौन सा मैं को अकेला बना रहा हूँ दुनिया में, तो अभी जा रहे हैं, एक दोस्त है उसको पिक करना है, वो ट्रेन स्टेशन पर खड़ा है, तो उसको लेते हैं। आयरलैंड के लोग जो है ना वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो आपके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, क्योंकि दो चार चीज़ें ऐसी थी जब मेरे साथ मेरा फ्रेंड नहीं था तो मैं अकेला कुछ पूछना चाहूँ तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प आउट किया। जनाब देखें भाईजान आ गए हैं, तो अभी इनके साथ जो है ना चलते हैं घूमने के लिए। हम इस टाइम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज का व्यू, और इस ब्रिज को क्या कहते हैं जी, अगर आपको पता हो तो, ये पैट्रिक्स ब्रिज है, आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं 1861 में ये ब्रिज बनाया गया था, आप आज भी देखें, और ये एक बड़ी कदीम सिटी है, कोर्क जो है वो बहुत कदीम सिटी है, यहाँ पे मोस्टली जितनी बिल्डिंग्स हैं वो कितने सौ साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत केयरिंग है, अपने हेरिटेज से वो बहुत प्यार करते हैं।
आयरलैंड में घूम रहा था, वहाँ पे मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ये देखें, ये मुझे आवाज़ें दे रहा है और मैं साथ साथ दिखाऊँ, ये बिल्डिंग्स बहुत बहुत पुरानी हैं। बट सब ये जो हमारी बैक साइड पे बिल्डिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये तकरीबन 18th सेंचुरी की है, ये तकरीबन 200 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है या इससे मोर है। देखिए अभी भी इसकी हालत देख सकते हैं आप, वो देखें कैसी ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन करके रखी है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी। और ये ओल्ड टाउन ही है सारा तकरीबन, मैंने सारा ओल्ड टाउन है, ये सारा ओल्ड टाउन है, इधर सारी जितनी बिल्डिंग्स है ना, सारी की सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ज़बरदस्त। हम कोर्ट में अपने दर्जी की दुकान पे जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि कोर्ट सिटी में ये वाशिंगटन स्ट्रीट है और वहाँ पे ये वाली सिलाई मशीनें भी मिलती हैं। ये जरा आप और से देखें, और ये सिंगर की है, ओरिजिनल सिंगर की। ये देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, ये कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है कोर्ट सिटी का। और फैमिली कोर्ट की बैक साइड पे वो एक चर्च है, और इसके साथ साथ मंसूर भाई भी आ चुके हैं। और अभी हम जो है ना कोई और जगहों पे जाएंगे, एक दफ़ा मैं कह रहा हूँ आपको सब दिखा दूँ, ये सब हम पाकिस्तानी भाई इस टाइम आयरलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। भाई आए हैं तो मैंने मंसूर भाई को कहा यार यहाँ पे इनके कोई चर्च वगैरह भी कोई दिखाएं, तो मंसूर भाई भी मुझे लेके आए हैं। ये यहाँ का बहुत फेमस चर्च है, मंसूर भाई इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर आपको दिखाता भी हूँ। जी जैन भाई, ये होली ट्रिनिटी चर्च है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन कॉर्क और सबसे खूबसूरत चर्च है। आयरलैंड के सबसे मशहूर और पुराने चर्चों में से एक है। ये 1800 वाली सदी में बना हुआ है, तकरीबन दो मतलब 300 साल पुराना चर्च है। जी दोस्तों ये चर्च है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, ये सारा चर्च है। तो देखते हैं अगर चर्च खुला हुआ तो अंदर भी चलते हैं। और मेरे ख्याल से चर्च इस टाइम खुला हुआ है क्योंकि इसका गेट भी ओपन है, तो चलते हैं चर्च के अंदर। इंतहाई कदीम चर्च है और इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे अंदर प्रेयर भी कर रहे हैं। वो एक आदमी बैठा हुआ है, प्रेयर कर रहा है, और मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये मेरे बैक साइड पे आप उन्होंने अपने जीसस क्राइस्ट बनाए हुए हैं, जवार साहब भी हैं, ये बैक साइड पे मंसूर भाई भी देख रहे हैं, आकिब भाई भी, ये जनाब हमारे साथ इस टाइम चर्च में मौजूद है। दोस्तों चलते हैं चर्च से बाहर। ये जी कोर्ट का सिटी हॉल है, तो गुजर रहे थे यहाँ से तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाते चलें। अच्छा जी, घूमते हुए एक और चर्च हमें देखने को मिला, तो जबार को कहा है कि जी इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जबार पहले आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, बाद में चर्च का व्यू दिखाते हैं। भाई इसका मंसूर भाई से वही बात कर रहा हूँ, ये कोर्ट का जो चर्च है इसका नाम है फिजरल चर्च। ओके, बड़ा प्योर चर्च है, इसके नाम से आगे ब्रिज भी है, पार्क भी है, और इसकी बैक साइड पर सारा ना यूनिवर्सिटी वगैरह है। काफी पुराना और हिस्टोरिकल चर्च है। ये वो चर्च है जिसके बारे में जबार बता रहा था, मैं आपको इसका फुल व्यू देता हूँ। और साथ साथ इसके बारे में एक और चीज़ भी बड़ी मशहूर है, ये आप पड़ी देख रहे हैं जो यहाँ पे बनाई हुई है उन्होंने, कहते हैं जी जब यहाँ पे चुनवी का चांद आता है तो ये पड़ी जो ना वो चमकती है, बहुत सारी दुनिया यहाँ पे इस पड़ी को देखने के लिए आती है, और यहाँ की बड़ी पाक किस्म की जगह समझी जाती है। और ये चर्च बहुत ही पुराना है और बहुत हिस्टोरिकल किस्म का है। मैं इसका आपको फुल व्यू भी देता हूँ ताकि आप इसे ज़रा प्रॉपरली देख सकें। करते हैं इस चर्च के अंदर भी जाया जा सके, तो मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। ये चर्च की मेन एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बैक साइड पर आप ये देख सकते हैं, ये चर्च की एंट्रेंस है। सो दोस्तों चर्च जो है वो अभी फ़िलहाल बंद है, तो चर्च की बैक साइड पे आए थे,
बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ के बड़े फादर्स हैं ये उनकी कब्रें भी हैं। तो चर्च से वापस अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है उसको भी कवर करते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के लिए गए थे लेकिन यूनिवर्सिटी की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी और वो जो ना गेट क्लोज था, तो यूनिवर्सिटी से फिर निकले हैं। तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। तो चाय पीने के लिए हम ये कॉर्क सिटी की सबसे टॉप प्लेस पे आए हैं, जो मतलब यहाँ से पूरी आपको सिटी नज़र आ रही होगी। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि आपको पूरी सिटी नज़र आती है, और ये बिल्कुल टॉप पे जो है ना ये होटल भी है, और साथ यहाँ पे जो है ना वो कॉफ़ी भी मिलती है, टी भी मिलती है, और एग्जैक्टली हर तरह की यहाँ पे चीज़ मिलती है। फाइनली जी ड्रिंक्स आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता चलूं। ये ज़रा ड्रिंक्स देखिएगा, बैक साइड पे आप देख लें ये क्रॉस हेवन है, और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें ये सारे घर हैं, सारी ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत जगह है। उसके बाद इस साइड पे ये समुंदर है, और आप कह सकते हैं कि ये कोर्क का वो जगह है जहाँ से आगे कोर्क ख़त्म है। लाइक इसके बाद अगर आपने जाना है समुद्री रास्ता, समुद्री रास्ते के बाद आप अमेरिका, कनाडा, मतलब कहीं यूरोप, यूरोप में भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये कोर्क का एंड ऑफ द पार्ट है। इस साइड पे आपको मैं दिखाऊँगी कितना खूबसूरत जगह है। ये देखें, ये मैंने जब मैं आया था आयरलैंड तो मैंने जबार को स्पेशली कहा था कि यार मुझे ऐसी नेचुरल ब्यूटी ज़रूर दिखाना, क्योंकि यूरोप साइड में मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, बड़ा घूम फिर लिया है, लेकिन ये जो नेचुरल किस्म की ब्यूटी है, वेदर इतना प्यारा है, और ये पीछे समुद्र का नज़ारा और हवा जो मैं फील कर रहा हूँ, आप नहीं फील कर सकते लेकिन मैं खुद फील कर सकता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है। मैं आपको दिखाऊँ, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, कोई मसला नहीं है, कोई गंद, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इस साइड पर ये दूरबीन भी लगी हुई है, ये देखें, इस दूरबीन के थ्रू आप दूर तक सारा नज़ारा ले सकते हैं। और ये बैक साइड पर मेरे समुंदर है, ये सारा समुंदर का एरिया है, ये समुंदर का पहाड़ है। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, अगर आप यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी का कुछ लम्हात इन्जॉय करें तो क्या ही मज़ा है। और मैं इस वीडियो के बाद ज़रूर यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम खामोशी से अपने लिए गुजारना चाहूँगा और यहाँ पे इन्जॉय करना चाहूँगा। इसी समुद्र में से टाइटैनिक गुजर के गया था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब टाइटैनिक डूबा था उसका जो लास्ट स्टॉप था ना वो यहाँ कोर्क में था। और अभी मैंने उस म्यूज़ियम को भी देखने जाना है, विजिट के लिए जाएंगे, वो भी आप सबको दिखाएंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये वो समुंदर है, ये वो जगह है जहाँ पे टाइटैनिक भी डूबा है। और यूरोपियन भी जितने इधर से गुजर के जाते हैं, यूके वाले भी, और जो फिशिंग के लिए भी जापानीज, जर्मन, यूरोपियन कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने जो है ना फिशिंग के कॉन्ट्रैक्ट इधर किए हुए हैं। ठीक है जनाब, सारी फिश इधर से, मतलब इस समुंदर से सारी फिश को लेके वो पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं। अच्छा, इस टाइम अब ना हम अपने रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। बेसिकली ये एक पिज़्ज़ा शॉप है अपाची पिज़्ज़ा के नाम से, चलते हैं अंदर। ये बैक साइड है, ये देखे जी, ये किचन है, और ये हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, ज़बरदस्त। ये जी समी भाई हैं, ये सारे भाई खड़े हैं इस टाइम। पिज़्ज़ा देखें दोस्तों कितना बड़ा है, और इससे भी बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है। ये जबार भी खड़ा है। A few moments later. जी रात का टाइम हो चुका है, तो इस वक्त हम जो है ना नाइट लाइफ के लिए जा रहे हैं, और अभी घर से निकले हैं और नाइट आउट के लिए। ये हमारा स्क्वाड है, आप देख सकते हैं सारे देसी, और एक जो हमारा दोस्त है ना वो मराकिश है, तो सब जा रहे हैं। इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, और ये सिटी हॉल है, और बड़ा ज़बरदस्त है, और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस वक्त ये आप देख सकते हैं रात के 2 बजे रश कितना है, और समझने वाले तो समझ गए होंगे।
अब हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर यहाँ पे आए थे और ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट्स देखें, इस टाइम सुनसान हो चुकी हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया और आई थिंक मेरा व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है। तो अब सुबह एक नया व्लॉग बनाएंगे, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सबके कमेंट्स के आंसर दूंगा।